हाय गाइस, वेलकम टू लाइफस्टाइल बाय मुनज्जा। कुछ दिन पहले मैंने अपनी स्टोरीज पे कॉफ़ी की पिक्चर डाली थी और काफ़ी लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया कि हमें भी कॉफ़ी की, जो क्रीमी कॉफ़ी है उसकी रेसिपी शेयर करें। तो ये मेरी रेसिपी है, हम नेस्कैफे कॉफ़ी ले रहे हैं और इसके मैं 3 टेबल स्पून लूँगी। और जितनी आपने कॉफ़ी लेनी है उससे डबल आपकी शुगर होनी चाहिए, यानी 1 टेबल स्पून अगर कॉफ़ी है तो आपने 2 टेबल स्पून शुगर लेने हैं। तो चले हम डालते हैं अपने बोल में और बहुत भर के टेबल स्पून ना, बस मुनासिब सा लेवल टेबल स्पून आपने लेना है। तो ये हमारा हो गया 1 टेबल स्पून, ये हो गया हमारा 2 टेबल स्पून, 3, 4 टेबल स्पून, 5 और ये हमारे हो गए 6 टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर नेस्कैफे की कॉफ़ी डालेंगे। अच्छा, तो ये हम अगेन लेवल जो है इतना आपने टेबल स्पून लेना है, करीब मैं आपको ला के दिखा देती हूँ, इतना सा। ठीक है, ठीक है, ये आपका 1 टेबल स्पून कॉफ़ी हो गया, ये आपका 2 टेबल स्पून हो गया और ये आपका 3 टेबल स्पून हो गया कॉफ़ी का। और अब हमने इसमें क्या डालना है, हाँ थोड़ा सा हम इसमें वार्म वाटर डालेंगे बीटर की तरह इससे। तो ये देखें कितना थोड़ा सा इसने पानी डाला है, आपने थोड़ा थोड़ा, ये हल्का सा वार्म वाटर है, बस बीट शुरू करूँ। देखें इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपने बीटिंग शुरू कर देनी है। तो आपको पानी का मैं थोड़ा अंदाज़ा बता दूं कि जब आपने कॉफ़ी और शुगर डाली है तो थोड़ा सा पानी डाल के देख लें कि इतना हो जाए कि फिर ये दोनों चीज़ें जो है मेल्ट होना शुरू हो जाए और मिक्स होना शुरू हो जाए। पानी ज़्यादा भी नहीं डालना, बस जितनी कॉफ़ी आप डालें, यानी 1 टेबल स्पून कॉफ़ी डालें तो 1/2 टेबल स्पून या 3/4 जो है आप पानी डालें। वो आपको थोड़ा सा अपना देखना पड़ेगा कैसे थिक सा हो, रनी ना हो जाए। तो जब जैसे फिर आप इसको काफ़ी देर आपको बीट करना पड़ेगा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फ्लफी होना शुरू हो जाएगा। मैं फिर आपको बीच बीच में इसके दिखाती रहूँगी कि ये कितना फ्लफी हो रहा है। अच्छा, तो अभी कोई 2-3 मिनट हो गए इसको बीट करते, और अभी देखें शुगर बिल्कुल भी इसमें डिजॉल्व नहीं हुई। तो जिन लोगों को ज़्यादा बिटर सी कॉफ़ी पसंद है वो ज़रा कॉफ़ी की क्वान्टिटी थोड़ी और ज़्यादा कर सकते हैं, और जिनको थोड़ा शुगर पसंद है वो शुगर, जो हमने आपको बताया है ये वाली रेसिपी, ये मुनासिब सी है। इसमें बिटरनेस भी एवरेज है और शुगर जो है उसका स्वीटनेस जो है वो भी मुनासिब है। तो आपने बिल्कुल जैसे एग बीट करते हैं उस तरह थोड़ा तेज़ तेज़ करना है, और फिर ये चीनी जो है वो काफ़ी ज़रा आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व होगी। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं मैं कम से कम 20 या 25 मिनट से इसको हिला रही हूँ, तो ये इस तरह कितनी फ्लफ़ी होगी। आप थोड़ा थोड़ा सा कतरा पानी डालते रहें, बहुत कम कम सा, 1/4 टीस्पून या उससे भी कम, और फिर हिलाते रहें कांस्टेंट। तो ये बीच में आप खैर ब्रेक भी ले सकते हैं, हिलाते रहें, फिर जब आप कहा थक जाए तो आप ब्रेक ले लें फिर हिला लें। लेकिन ये इस तरह की, अब आप देखें ये फाइनली फ्लफ़ी हो गई है। देखिए हमारे 3 टेबल स्पून कॉफ़ी थे और उससे इतनी ज़्यादा फ्लफ़ी सी बन गई है। अच्छा, तो अब ये मैंने 1 कप दूध लिया, उसमें मैं जो हमने कॉफ़ी का फ्लफ़ी सी ये कॉफ़ी बनाई थी इसका 1 स्पून ऊपर से डालूंगी। आपने पहले कप में कॉफ़ी का जो ये पेस्ट है ये नहीं डालना, वरना दूध जो है वो इसको मेल्ट कर देगा और आपकी कॉफ़ी रेगुलर कॉफ़ी जैसी बनेगी। तो आपने ऊपर से डालना है इसके अंदर, और जितना आपने फ्लफ़ी बनाना है उतना आप अपने कप में डाल दें, और उसको फोल्ड करना है और ज़ोर से उसको मिक्स नहीं करना। इसको आप आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करते रहें, तो
तो वो जो आपका पेस्ट बना है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। आपने ज़ोर ज़ोर से इसको मिक्स नहीं करना, वरना वो बिल्कुल मिल्क के अंदर ही रनी सा हो जाएगा, पेस्ट नहीं बनेगा। और ना ही आपने पहले कॉफ़ी डाल के ऊपर से मिल्क डालना है, मिल्क पहले कप में डालें और उसके बाद कॉफ़ी एक चम्मच डाल के उसे आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करते रहें, वो ग्रेजुअली मिल्क के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी और ये आपकी एक थिक सी क्रीमी सी कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने कॉफ़ी का एक पूरा चम्मच डाला था पेस्ट का, जो फ्लफ़ी सा बना था, वो पूरा इसमें डिज़ोल्व हो गया है और अब आपकी कॉफ़ी का एक अच्छा सा थिक सी कॉफ़ी आपकी तैयार हो गई है। ये मैंने गुड मिल्क जो फुल फैट क्रीम है ये ली थी।